अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उमरा के लिए खाना काबा जाते हैं। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो कम अज कम अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने रब के घर ज़रूर हाजिर हो। पाकिस्तान से भी लाखों अफराद हज और उमरा पर सऊदी अरब जाते हैं, मगर उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हज तो दूर की बात, उमरे पर भी जाने की इस्तेआत नहीं रखते। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब उमरे पर जाना मुतवस्सत तबके की इस्तेआत से बाहर क्यों है? अगर हम माजी पर निगाह दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि उमरे पर जाने के लिए हमें 2000 रियाल सऊदी हुकूमत को टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उमरे पर जाने का टिकट इतना महंगा कर दिया गया था कि गरीब तो दरकिनार मुतवस्सत तबका भी उमरे पर जाने की इस्तेआत नहीं रखता था। मगर नई हुकूमत के आने से कुछ दिनों बाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो देते हुए एक अच्छा कदम उठाया और सऊदी हुकूमत से मुस्बत अंदाज में बात करके उमरे पर जाने के लिए टैक्स को ख़त्म करवा दिया, जो कि बहुत ही खुश आइंद बात है। यकीनन इससे पाकिस्तान की वो आवाम जो ख्वाहिश के बावजूद उमरे की अदायगी की इस्तेआत नहीं रखते थे, अब इस फैसले से वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कम पैसों में उमरा अदा कर सकेंगे। अब मुखालफीन का क्या ही कहना, मुखालफीन तो इस बात पर भी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्हें सोचना तो चाहिए कि क्या इमरान खान साहब का ये इकदाम पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए खुश आइंद नहीं? क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बेहतरीन फैसला नहीं हुआ? खुदारा कुछ देर के लिए सियासी मुखालफत को अलग रखकर जरा सोचिए तो। पब्लिक टीवी मीडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आमिर हबीब। मजीद वीडियोस, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और मालूमती प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी।